हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कहते हैं विजन की 28 फरवरी एंड 1 मार्च की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो गाइस देखो, अगर आपको पॉलिटी का पेड कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो गाइस आप मुझसे डिटेल पूछ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मुझे पर्सनली मैसेज करके मित्तल वैशाली 94 पे, ठीक है। इसके अलावा गाइस आपको देख ही रहे होंगे, 2 दिन से निमोनिक सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें आपको ट्रिक्स दिख रही होंगी कि किस तरह से आप देख सकते हो कि कौन सी स्टेट्स इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होके जा रही हैं, कौन सी स्टेट्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को क्रॉस कर रही हैं। तो इस तरह की और भी जो मतलब की ट्रिक्स हैं वो आने वाली है आपके पास, वो सुमित कपूर सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो हम जल्दी ही मतलब कि स्टार्ट करने वाले हैं, यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइस इसके अलावा देखो, हम क्या टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने किसी ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो इस पे जाके मेरा टेलीग्राम चैनल मतलब कि ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां जाके क्या कर सकते हैं, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या है ना, मतलब कि कुछ अलग सी चीजें होती हैं कभी कभी हम जो टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, कुछ एडिशनल चीजें, ठीक है, जो आपको वहां मिल सकते हैं, लाइक पीडीएफ होगी या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो शॉर्ट नोट्स टाइप के, तो वो आपको वहां मिल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। इंडिया रशिया एक्सप्लोर पार्टनरशिप विद एसियान एज पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट। देखो यदि सब ये न्यूज किसकी जाएगी, इंटरनेशनल रिलेशंस में। अभी इंडिया और रशिया ने क्या करा है, पार्टनरशिप करी किसके साथ, एसियान। आपको पता है एसियान में 10 कंट्रीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं एसियान है क्या। एसियान जो है वो 1967 में बना था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 10 कंट्रीज का है, ताकि हम क्या कर सके, साउथ ईस्ट एशिया में इकोनॉमिकल सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश कर सके और पीस एंड सिक्योरिटी वहां पे प्रमोट कर सके, ठीक है। इसमें देखो जो 10 कंट्रीज है वो कौन कौन सी है, देखो ये आपको पता होना चाहिए, लायोस, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, ब्रुनी, इंडोनेशिया, ये 10 कंट्रीज है जो एशिया में होती है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है 1967 में आया था, ठीक है। अभी क्या है, इंडो रशिया ने एक पार्टनरशिप क्या किया एशियन के साथ, जरा हम ये पढ़ लेते हैं। अभी क्या रिसेंट क्या हुआ है, फॉरेन सेक्रेटरी विजिट में जो रशिया है, रशिया ने क्या किया, इंडिया के सुजेशन को रिसीव किया, मतलब कि इंडिया ने रशिया को कुछ सुजेशन दिया था, तो उस सुजेशन में रशिया ने उस सुजेशन को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम दोनों कंट्रीज को क्या करना चाहिए, एशियान के साथ क्या करना चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, जो अपने इंडो पैसिफिक जो रिलेशंस हैं या जो भी हमारी जो इंडो पैसिफिक जो अपॉर्चुनिटीज हैं या जो हम एक्सप्लोर हैं उनको कर सकें विद फोकस, और साथ में हम किस पे फोकस कर सकें, जो कोविड के बाद जो किस तरह से जो इकोनॉमिक हमारी खराब हुई है, या किस तरह से हम इंडो पैसिफिक की जो इकोनॉमिक है उसको हम किस तरह से रिबिल्ड कर सकते हैं। अब इंडिया और रशिया क्यों कोऑपरेट करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक में, क्योंकि देखो रशिया हमारे लिए 3 जगह से रीजन से क्रूशियल है, चाहे वो यूरेशिया देख लो, इंडो पैसिफिक हो गया, ये रशियन फार्मर्स, तो हर तरह से हमारे लिए जो रशिया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इंडो रशिया का जो अगर एग्रीमेंट होता है, इससे क्या होगा, इन रीजन्स में क्या होगा, मल्टीपोलरिटी प्रमोट होगी, सिक्योरिटी प्रमोट होगी और प्रोस्पेरिटी प्रमोट होगी। देखो आपको पता है कोई भी कंट्री है वो अगर जब तक अपने नेबर से सिक्योर है तो उसमें और जो डायमेंशंस होती हैं वो अपने आप क्या करती है, रेज होती हैं। लेकिन अभी इंडिया देख लो, इंडिया को अपनी सराउंडिंग से बहुत ज्यादा खतरा है, चाइना से हो गया, पाकिस्तान से हो गया, ठीक है, जिस वजह से इंडिया को अपने डिफेंस पे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा मेन एम क्यों होता है, हम क्यों पार्टनरशिप करते हैं, देखो हर एक चीज होती है, लेकिन देखो डिफेंस जो सिक्योरिटी होती है वो सबसे हमारा मेन फैक्टर होता है, ठीक है। इकोनॉमी तो होती होती है लेकिन डिफेंस या जो सिक्योरिटी है वो सबसे ज्यादा मेन एम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो रशिया का जो व्यूज है यूएस लिड इंडो पैसिफिक विजन में, ताकि हम क्या कर सके, अपने इंटरेस्ट को टारगेट कर सके। हाउएवर इंडिया किस पे मतलब कि एम्फेसिस करता है, इंडिया चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री बनाना चाहिए, ओपन बनाना चाहिए, इंक्लूसिव बनाना चाहिए। इंक्लूसिव मतलब कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसे सब कंट्रीज यूज करें, ठीक है। और जो रशिया है वो एक तरह का की प्लेयर है इन इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब कि देखो हम रशिया को इग्नोर नहीं कर सकते, सिंपल बात आपको पता है रशिया कितनी बड़ी कंट्री है, ठीक है। इसके अलावा क्या करती जाती है, रशिया जो इस रीजन में इंडो पैसिफिक रीजन में रशिया बहुत ज्यादा जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो ज्यादा एक्सप्लोइट करती है, क्योंकि यार रशिया की टेक्नोलॉजी अच्छी है, ऐसा नहीं है, इंडिया के पास भी है मतलब कि रिसोर्सेज है, लेकिन इंडिया के पास कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इससे क्या होगा, अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक और जो पॉलिटिकल डाइवर्जेंस है वो कमी होगी बिटवीन बोथ पर्टिकुलर रशिया के साथ, ठीक है। स्पेशली जो रशिया की जो पार्टनरशिप है चाइना के साथ और इंडिया की जो वेस्ट के साथ है वो हमारी क्या होगी, मिटिगेट होगी, ठीक है। इसके अलावा हम ऑलरेडी क्या स्टेप्स ले चुके हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, हमने $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है, ताकि हम क्या कर सके, रशिया के जो फार ईस्ट रीजन में वहां पे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हम क्या कर सके, थोड़ा मजबूत बना सके, ठीक है। तो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इंडिया और रशिया में क्या क्या हो चुका है, पार्टनरशिप हो चुके हैं, ये हम बात कर चुके हैं कि ऑलरेडी इंडिया $1 बिलियन
दे चुके हैं ताकि हम क्या कर सके, रशियन का जो फार ईस्ट रीजन है उसको हम डेवलपमेंट कर सके। इसके अलावा इंडिया जापान रशिया का ट्राइलेटरल ट्रैक टू डायलॉग हो रहा है ताकि हम क्या कर सके, रशियन फार ईस्ट में कॉपरेट कर सके। इसके अलावा ईस्टर्न मेरोडोम कॉरिडोर एस्टेब्लिश किया ताकि हम चेन्नई को कनेक्ट कर सके रशिया के व्लादिवोस्तोक से। ठीक है, तो ये आपको तीनों चीजें पता होना चाहिए कि हमें इंडिया रशिया के साथ क्या क्या ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, गवर्नमेंट इन डिस्कशन टू एस्टेब्लिश ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। देखो ये हमने पहले भी पढ़ा, ये जो न्यूज है हमारी किसमें कवर होगी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। अभी क्या माना जाएगी ऑल इंडिया, जैसे आपका क्या होता है, मतलब जैसे आपको जेईई का एग्जाम होता है या फिर लाइक यूपीएससी का एग्जाम हो गया, तो उस तरह से माना चाहिए कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हो सके ताकि हम क्या कर सके, जो हाइयर जो पोस्ट है उनको भी हम इस एग्जाम के थ्रू भर पाए। ठीक है, अभी क्या है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि वो क्या कर रहे हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को एस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि हम क्या कर सके, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से क्या कर सके, जुडिशरी को बहुत ज्यादा मजबूत बना सके और जुडिशरी में बेस्ट माइंड्स लेके आ सके। आइडिया जो आया है वो आइडिया हमारा कहाँ से आएगा, ताकि हम क्या कर सके, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, साउथ इंडिया, इन सबके क्लस्टर एक ग्रुप बना सके। ठीक है, इन्होंने बोला कि हाँ इस एग्जामिनेशन भी हम रिजर्वेशन देंगे एससी एसटी ओबीसी, या फिर ताकि हम जुडिशरी में भी क्या कर सके, हर एक इंक्लूसिव बना सके जुडिशरी को, ये नहीं कि जो अपर स्ट्रेटा है सोसाइटी का सिर्फ उसी की डोमिनेंसी रहे, नहीं। ठीक है, तो इसलिए रिजर्वेशन जो पॉजिटिव एक्शन है वो हमें देने की जरूरत है। इसके अलावा जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है इसमें मैंने आपको बता दीजिए इसका एम क्या है, एक हम डिस्ट्रिक्ट जजेस का एक सेंट्रल स्कैडर बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, उनको एक सेंट्रल एग्जाम से रिक्रूट करेंगे, जैसे आपका यूपीएससी के एग्जाम है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है। इससे हम क्या करते हैं, हम सेंट्रल लेवल की जॉब्स के लिए क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं थ्रू कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। तो इसमें ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होगा, इससे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जजेस को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, रिक्रूट करेंगे, और फिर उन्हें क्या कर देंगे, हर एक स्टेट में एलोकेट कर देंगे अलोंग द लाइंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज होती है ना, उसी की लाइन पे क्या बना जा रहा है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को बनाने की बात हुई है। करंटली जो डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट होती है या फिर जो सब ऑर्डिनेट जुडिशियरी की जो अपॉइंटमेंट होती है वो अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो अभी अगर एक सेंट्रल लेवल पे एग्जाम हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, कोई भी लाइक आपको पता है उसमें हर एक स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है और किसी भी बच्चे किसी भी स्टेट में जाके क्या कर सकते हैं, वहां पे जज बन सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का जो फर्स्ट सबसे पहले प्रपोज किया गया था लॉ कमीशन के द्वारा 1958 में, इसके अलावा इसके जो प्रोविजन है उसको आर्टिकल 312 में भी इंक्लूड किया गया था थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976 में। देखो यदि आपको पता होना चाहिए ये आपके पास एडिशनल नॉलेज है। ठीक है, और किसकी रिकमेंडेशन पे, स्वान सिंह कमिटी रिपोर्ट, एक लाइन पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसका प्रोविजन किसने रिकमेंड किया था लॉ कमीशन में 1958 में, इसको इंक्लूड किया गया था आर्टिकल 312 में, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, और किसकी रिकमेंडेशन पे, स्वान सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन में। बेनिफिट क्या, इसके अलावा देखो जो आपको पता जुडिशियल में जो वैकेंसीज रहती है उसको एड्रेस करेगा, इसके अलावा जस्टिस की क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं ताकि हम बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट करके, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं ऑल इंडिया जुडिशियरी को यूनिफाइड करेंगे, जिससे क्या होगा जो हमारी जो क्या बोलते हैं एक सेकेंड। ठीक है, इससे हम क्या, जैसे आपको पता है अभी स्टेट, हर एक स्टेट अपना अपना रिस्पॉन्सिबल है वहां की जुडिशरी के सीट्स को फिल करने में। ठीक है, अभी इससे क्या होगा हम एक वो बढ़ाएंगे ऑल इंडिया, मतलब जो कॉपरेटिव फेडरलिज्म की जो भावना है उसको हम यूनिफाइड कर सकते हैं और इससे हमारी जो कॉपरेटिव फेडरलिज्म का जो आइडिया उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, कंसर्न्स क्या, अभी क्या दिक्कतें आ रही है जो अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा, सबसे पहले क्या है, हर एक स्टेट कहती है कि हाँ उसका खुद का राइट है रिक्रूटमेंट करने का, तो अगर सेंटर ये कर लेगा तो स्टेट का जो राइट है वो उसके साथ चला जाएगा। इसके अलावा नेशनल लॉ जो यूनिफॉर्म की वजह से क्या होगा, जो लोकल लॉज है जो कस्टम लॉज है उनको इग्नोर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो लैंग्वेज एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जो अभी आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चलती है, जो सेशन जजेस में जो मदर लैंग्वेज में जो काम चलता है उसकी लैंग्वेज हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है मतलब कि ये कहीं ना कहीं कंसर्न है, चैलेंज है। नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे 2021 सेलिब्रेटेड ऑन 28 जनवरी। देखो ये जो न्यूज आपको समझ आएगी अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। ठीक है, तो जो नेशनल साइंस डे है वो इंडिया में हर साल मनाया जाता है, कब, 28 फरवरी को। कब से बना रहे हैं, 1987 से बना रहे हैं। कब से बना रहे, किसकी खुशी में बना रहे हैं, ये जो इंडियन फिजिसिस्ट हमारे सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन थे, उन्होंने जब रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था उसी की खुशी में हम नेशनल साइंस डे बनाते हैं 28 फरवरी को। ठीक है, और उन्होंने ये जब डिस्कवर कब किया गया था, 1928 में। ठीक है, इस साल का जो थीम था वो था फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क, मतलब कि साइंस का एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, स्किल्स पे, वर्क पे क्या इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो नोडल एजेंसी फॉर नेशनल साइंस डे है वो कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, ये है
नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जो किसके अंदर है, डीएसटी के अंदर, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। देखो आपको पता होना चाहिए, सीवी रमन जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्होंने डिस्कवर किया था कि जब जो लाइट है जो ट्रांसपेरेंट मटीरियल से पास होती है तो उसमें से जो कुछ लाइट है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है और वो अपनी वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकती है। इस फिनोमेना को एक दिस फिनोमेना वाज अ न्यू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको सब्सिक्वेंटली टर्म किया गया था रमन इफेक्ट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये जो इफेक्ट बताया इसी को हम रमन इफेक्ट बोलते हैं। इस डिस्कवरी को इसलिए सिग्निफिकेंट माना किया था क्योंकि इसने नेचर की जो लाइट की जो क्वांटम नेचर है उसको प्रूफ बताया था। ठीक है, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में, कब, 1930 में, और ये फर्स्ट एशियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था और भारत रत्न भी उन्होंने जीता था 1954 में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ही वाज द फर्स्ट एशियन हु विन द नोबेल प्राइज इन साइंस। ठीक है, नोबेल प्राइज इन साइंस की बात करें। ठीक है, इसके अलावा इंडियन साइंटिस्ट हमारे कौन कौन से जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, एक तो जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने कुछ माइक्रोवेव कंपोनेंट्स को इन्वेंट किया था, जैसे वेव गाइड्स होगी, फोन एंटीनास हो गए। इसके अलावा सत्येंद्रनाथ बोस हो गए, इन्होंने काम किया था बोसोंस पे, जो ये बताते किस तरह से जो फॉर्म होती है स्टैंडर्ड मोड ऑफ फिजिक्स। इनके बाद इन्होंने कुछ आइंस्टाइन के साथ भी वर्क किया था फॉर बोस आइंस्टाइन स्ट्रक्चर, ये काफी ज्यादा रिनोड है बिकॉज अब आपको ज्यादा डीप नहीं जाना ही होता है। ठीक है, ये जो काम है ये जो पीएचडी करे वो अपना करके। ठीक है, इसके अलावा एक मेघना शाह है, इन्होंने डेवलप किया था थर्मल आयनाइजेशन इक्वेशन, जो काफी ज्यादा स्टेलर एटमोसफेयर रिसर्च के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, जो हम मतलब कि अपनी रिसर्च करते हैं अपनी अर्थ से रिलेटेड, उनसे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, यूएन कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी रिकमेंडेड ग्रेजुएशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम एलडीसी टू डेवलपिंग। देखो गाइस, अभी क्या जो यूएन कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी है वो क्या चाह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, जो बांग्लादेश को अभी हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री मानते हैं उसको हमें डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस देना चाहिए। ठीक है, अभी क्या सीडीपी की एक कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी है, एक ये किसका एक पार्ट है, किसका, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की एक सब्सिडियरी है, जो क्या करती है, जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनकी कैटेगरी को रिव्यू करती है। ठीक है, जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री का जो स्टेटस था वो पहली बार 1971 में यूएन ने इंट्रोड्यूस किया गया था और हर तीन साल बाद वो क्या करती है, रिन्यू करती है। कौन करती है, जो कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी है वो हर एक जो कंट्री जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उसके स्टेटस को रिन्यू करती है और देखती है कि उनकी क्या प्रोग्रेस है, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करती है आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम द कैटेगरी। ठीक है, अभी क्या है मतलब कि अगर उन्होंने उस कैटेगरी को इम्प्रूव किया, लाइक किसी कंट्री को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग में किया तो उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करती है। ठीक है, अभी क्या जो कमिटी ऑन डेवलपमेंट पॉलिसी है उन्होंने काउंसिल को एडवाइस किया है कि हमें क्या करना चाहिए, किस इश्यूज पे एडवाइस किया कि क्या इश्यूज हैं जो काफी रेलेवेंट है ताकि हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 2030 के जो एजेंडा है उसकी इंप्लीमेंट कर सके। इसके अलावा जो प्रपोजल है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को भेजे गए हैं ताकि हम क्या कर सके, फाइनल इसको अप्रूव करवा सके बाय यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आपको पता ही होंगी वो लो इनकम कंट्रीज हो जाती है, जो काफी ज्यादा मतलब कि प्रॉब्लम फेस कर रही है कि वो सस्टेनेबल वे में डेवलप नहीं कर पा रही है और ये ज्यादा दे आर हाईली वल्नरेबल, मतलब कि लाइक कोई भी अगर एनवायरमेंटल शॉक होता है, कोई भी इकोनॉमिकली शॉक होता है, जैसे पैंडेमिक आई या फिर कोई डिजास्टर आ गया तो उससे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है इस तरह की कंट्रीज और इनके बहुत मतलब कि जो ह्यूमन असेट्स है वो बहुत कम होते हैं। अभी अगर देखा जाए वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग तो 46 लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैं और 30 इनमें से जो 46 कंट्रीज में से 33 तो अफ्रीका में है और 9 एशिया में है, 1 कैरिबियन रीजन में और 3 पैसिफिक ओशन में। अगर हम किसी कंट्री को लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री कब आइडेंटिफाई करते हैं उसके 3 क्राइटेरिया है, एक तो उसकी पर कैपिटा इनकम अगर बहुत कम हो, इसके अलावा अगर उनके जो इंडेक्स हैं जो कि सोशल इकोनॉमिक इंडेक्स हैं ठीक है वो बहुत बेकार हो रहे हो, इसके अलावा जो इकोनॉमिकली वल्नरेबिलिटी है वो बहुत बेकार हो। ठीक है, फॉर ग्रेजुएशन अगर किसी कंट्री को हम क्या करें किसी प्रमोट करें लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस दे रहे हैं तो उसमें से कम 3 से 2 क्राइटेरिया होने चाहिए वो हर मतलब कि उन्होंने जब 2 बार रिन्यू किया, मतलब कि आपको पता है मैंने अभी क्या बताया एक रिव्यू वो 3 साल बाद करते हैं, अगर वो 6 साल मतलब 2 रिव्यू किए हैं उन्होंने दोनों बार अगर उनके जो 3 में से 2 क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहे हैं तब हम उसको क्या कर देंगे प्रमोट कर देंगे उस कंट्री को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी सिग्निफिकेंस क्या, अगर हम किसी कंट्री को प्रमोट करें तो उसका सिग्निफिकेंस क्या, तो सबसे पहले क्या नेगेटिव क्या है, उनको जो एक्सपोर्ट में जो प्रेफरेंशियल प्रोविजन मिलता है या फिर एग्रीकल्चर की जो सब्सिडी उनको मतलब कि पॉजिटिव अफर्मेशन एक्शन मिलता है या फिर उनकी जो इंडस्ट्रीज जो भी नई नई इंडस्ट्रीज हैं या क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलती है वो अब उनका सीज हो जाता है, मतलब कि आपको पता है जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनको क्या कुछ ज्यादा मतलब कि हम उसको पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, जैसे हमारी कंट्री में शेड्यूल कास्ट हो गई, शेड्यूल ट्राइब्स हो गई या फिर जो ओबीसी हो गई या जो वुमेन हो गया, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम अफर्मेटिव एक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनको रिजर्वेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं,
ताकि इनको क्या बेनिफिट हो। उसी तरह जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज है उनको जो यूएन है वो कुछ अच्छी मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा ये एफर्मेटिव एक्शन प्रोवाइड करते हैं, और अगर जैसे उनको हम प्रमोट कर देते हैं तो ये सब वो बेनिफिट नहीं ले सकता। पॉजिटिव क्या है, ऑफकोर्स इससे कहेगा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडीज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है इन कंट्रीज की वो भी बढ़ती है, और ऑफकोर्स अगर इनकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकी कंट्री में ज्यादा आएगा। ठीक है, अब इंडिया का कॉपरेशन विद एलटीसी जरा हम देख लेते हैं कि इंडिया किस तरह से लीज डेवलपमेंट कंट्रीज को किस तरह से कॉपरेट करता है। इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है लीज डेवलप कंट्रीज को, और अभी से नहीं पहले से कर रहा है। इसके अलावा इंडिया प्लेड एन एक्टिव रोल इन सेटिंग अप ऑफ ग्रुप, मतलब कि इंडिया ने क्या किया था एक सेपरेट कैटेगरी के ग्रुप को क्या किया था आइडिया को मतलब कि क्रिएट किया था कि किस तरह से हम लीज डेवलप कंट्रीज को क्या कर सकते हैं एक अलग से सेपरेट कैटेगरी में डाल सकते हैं और उनको डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं और किस तरह से उनको शेप कर सकते हैं। सेकेंड अनकटाट सेशन जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था 1968 में। इसके अलावा इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे ITEC हो गया, सागर हो गया। सागर आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन। ठीक है, इसके अलावा एशिया अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर हो गया, या फिर जो लाइन ऑफ क्रेडिट देता है जैसे अभी हमने पढ़ा कि रशियन फार ईस्ट में वाले मिलियन डॉलर दे रखा, तो लाइन ऑफ क्रेडिट वो क्यों देता है, ताकि वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके डेवलपमेंट डेवलप कंट्रीज को। ठीक है, ये हम काफी लीज डेवलप्ड कंट्रीज को सपोर्ट करता है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है इसरो का जो PSLV C51 है पुट्स ब्राजील्स अमेजोनिया 1 एंड 18 अदर सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। देखो अभी आपको शायद हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था तो हम पढ़ लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगा। देखो सबसे पहले क्या किया था, 2021 में इंडिया का जो पहला लॉन्च हुआ था उसमें इंडिया ने क्या किया है, ब्राजील का जो अमेजोनिया 1 है वो भेजा है और साथ में 18 और सैटेलाइट्स है वो भेजी है ऑर्बिट में। ठीक है, और अभी वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, इसरो का जो फर्स्ट लॉन्च था 2021 में जरा हम देख लेते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसरो की 53rd फ्लाइट थी अंडर PSLV। ठीक है, 78th मिशन था श्री हरकोटा से। ठीक है, अगर अब देखो टिल डेट इसरो ने 342 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुकी है फ्रॉम 34, मतलब कि अपने को तो अपने सैटेलाइट को तो इसरो लॉन्च करते ही है, लेकिन 34 अदर कंट्रीज के भी 342 सैटेलाइट्स इंडिया लॉन्च कर चुकी है। जो अमेजोनिया 1 ये आपको पता नहीं चाहिए हमने किस कंट्री की करी है, ब्राजील की, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी तो मिशन लाइफ है वो 4 साल की है, जिसमें हम क्या करेंगे अमेजोन रीजन में जो डिफोरेस्टेशन हो रही है उसको मॉनिटर करेंगे। देखो नाम से समझ में आ गया अमेजोनिया क्यों नाम पे पड़ा है, ताकि हम क्या कर सके इसका काम यही है जो अमेजोन फॉरेस्ट में जो डिफोरेस्टेशन हो रही है हम उसको मॉनिटर कर सकें। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, अभी क्या है 18 सैटेलाइट्स में से जो हमने 4 सैटेलाइट्स हैं वो किसकी है, 4 आर फ्रॉम न्यू इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, और जो 14 है वो किसकी है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की। ठीक है, देखो हमने क्या किया, एक तो ब्राजील की अमेजोनिया को भेजा है इसमें से, और 18 हमने इंडिया की अपनी सैटेलाइट भेजी है। 18 में से जो 4 सैटेलाइट्स है वो हमारी जो इन SpaceX की है, और 4 किसकी है, हमारी जो NSIL की। ठीक है, और ये पहला डेडिकेटेड मिशन है किसका, NSIL। देखो गाइस आपको पता होना चाहिए हमने लास्ट ईयर पढ़ा था NSIL के बारे में, दैट इज द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो हम पहले एक बार और पढ़ लेते हैं। जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये इसरो की कमर्शियल आर्म है, जिसका काम क्या है कि किस तरह से इंडियन इंडस्ट्री को हम इनेबल कर सके कि वो क्या कर सके हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज को क्या कर सके यूज कर सके, मतलब कि वो भी स्पेस में जो हाई टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्टिविटीज है उनको वो भी कैरी ऑन कर सके। ठीक है, इसका काम क्या है, ये करती है जो भी अपने जो भी हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करती है और उनको कमर्शियली बेचती है फ्रॉम द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, जो NISIL है वो किसके अंडर, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है अंडर कंपनी का 2013 और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही होली ओन्ड किया जा रहा है। अंडर किसके अंडर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसके अलावा जो NSIL है वो किसके साथ काम करती है, इन स्पेस के साथ मिलकर काम करती है, ताकि हम क्या कर सके अपनी इंडस्ट्री को क्या कर सके इनेबल कर सके कि वो इसरो की कुछ एक्टिविटीज को क्या कर सके कैरी ऑन कर सके। ठीक है, सिंपल बात यह कि इसरो की हेल्प कर सके और उसकी एक्टिविटीज को थोड़ा उसकी जो टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या कर सके वो भी स्पेस में एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, इंडिया के अलावा इंडिया के कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं, एक तो सतीश धवन सैटेलाइट है जो कि स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा बिल्ड की गई है, ताकि हम क्या कर सके रेडिएशन लेवल्स को स्टडी कर सके, स्पेस का क्या वेदर है उसको पढ़ सके। इसके अलावा एक यूनिट सेट है, ये 3 सैटेलाइट्स का कॉम्बिनेशन है जो हमें रेडियो रिलेटेड जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो इन स्पेस है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी किसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर, ये क्या करती है सभी स्पेस एक्टिविटीज को किस तरह से हम डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की जो फैसिलिटीज को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं वो अलाउ करती है बाय नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट, मतलब कि कुछ जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज है वो किस तरह से हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की जो या जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की गई एक्टिविटीज है उनको किस तरह से यूज कर सकती है वो सब कंट्रोल करती है, एज वेल एज टू प्रायोरिटाइज द लॉन्च मिनिस्टर। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करती है, प्रमोट करती है और प्राइवेट सेक्टर को गाइड करती है कि किस तरह से आप पॉलिसीज को मतलब कि किस तरह से आप
फ्रेंडली एनवायरमेंट बना सकते हो और किस तरह से पॉलिसीज को, कुछ ऐसी पॉलिसीज को एनकरेज करते हैं कि किस तरह से, ताकि हम प्राइवेट सेक्टर को भी ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, छोटी छोटी न्यूज पढ़ते हैं। एनिमी प्रॉपर्टीज, आपको पता होना चाहिए एनिमी प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो भाई, एनिमी प्रॉपर्टीज क्या होती है, दुश्मन की जो प्रॉपर्टीज होती है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम क्या करें किसी एनिमी सब्जेक्ट के बिहाफ पे अपने पास रखते हैं। ठीक है, या ये बोल सकते हैं इट इज, ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती है जो कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा इंडिया में छोड़ दी जाती है। जैसे पाकिस्तान हमारा एनिमी हो गया, चाइना हमारा एनिमी है। ठीक है, अब कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान या चाइना में माइग्रेट कर चुके हैं, लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टी है वो इंडिया में है, तो वो जो एनिमी की प्रॉपर्टी है लेकिन वो अब वो इंडिया की है, इंडिया गवर्नमेंट की है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट एनिमी। ठीक है, और जो, या फिर उन लोगों की प्रॉपर्टी जो अभी इंडिया के सिटीजन नहीं है। ठीक है, इसके लिए एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आया था 1968 में, जो इन प्रॉपर्टीज के साथ डील करता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है एनिमी प्रॉपर्टी का वो कौन करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज डन बाय कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। देखो मे भी आपको पता नहीं, याद हो नहीं हो, लास्ट टाइम जब मैंने पीटीसी पॉलिटिक आई थी तो उसमें मैंने एनिमी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। देखो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, और ये किसके अंडर, ये आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। ठीक है, अभी क्या रिसेंटली सेंटर ने क्या किया, 3000 और न्यू एनिमी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया है, तो इसलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोड्यूस प्रोग्राम, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। देखो ये स्कीम अभी सेंटर के द्वारा अनाउंस की गई है, और इसमें सेंटर ने कुछ सेवरल प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया अंडर 15 कैटेगरीज, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल, पोल्ट्री, मिल्क, फिशरीज, एक्वाकल्चर, इस स्कीम के अंदर। ठीक है, इसका एम क्या है, इसका एम क्या है, देखो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट होते हैं जिनकी एक जो प्रोडक्ट होता है वो खास होता है, तो हम चाहते हैं उस प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई दें ताकि हम उसके एक्सपोर्ट को क्या कर सके, बूस्ट कर सके। ठीक है, इसका काम क्या है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सके बाय अलॉटिंग वन प्रोडक्ट फॉर ईच ऑफ द कंट्रीज 720, जैसे हमारी कंट्री के 728 डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट को क्या कर सके, अलॉट कर सके कि हाँ यहाँ की ये चीज फॉर फेमस है, या यहाँ का ये प्रोडक्ट फेमस है, फॉर दैट हम क्या कर सके उनके रिसोर्सेज को डिफरेंट स्कीम्स के अंदर क्या कर सके, कवर कर सके। ठीक है, उन आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे, पीएम जो फूड मार्केटिंग जो स्कीम है ना, उसमें हम उसको सपोर्ट करेंगे ऑफ द, ये किसका प्रोग्राम है ये आपको पता ही होगा, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अब इसका काम क्या समझ आ ही रहा होगा, फार्मेसी इनकम को इंक्रीज करना। नेक्स्ट है कावेरी पेलेरू वाईगी गंदर लिंक स्कीम। अभी देखो ये 262 किलोमीटर का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है अंडर द सेंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ताकि हम क्या कर सके जो कावेरी रिवर का जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सके। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी लार्ज डैम को कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। देखो इसमें हम वाटर रिवर्स को क्या कर रहे हैं, इंटरलिंक कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी डैम की कंस्ट्रक्शन की बात नहीं हुई है, इसमें कोई लार्ज डैम की कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, लेकिन इसमें कुछ डाइवर्सल स्ट्रक्चर हम करेंगे, मतलब कि किस तरह से वाटर का, रिवर के वाटर को हम डाइवर्स कर सके टू अनदर रिवर। ठीक है, इसका बेनिफिट करेगा लोकल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इसके अलावा हम क्या कर सके, जो सरप्लस वाटर है जो फ्लड के ड्यूरिंग आता है उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं, इससे नियर अबाउट 6300 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर को हम डाइवर्ट कर सकते हैं, और हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को भी इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बायोडाइवर्सिटी उसको हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल फ्लो को आप अल्टर कर रहे हो तो एनवायरमेंट पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी फेलोशिप। अभी क्या है, रिसेंटली जो साहित्य अकेडमी फेलोशिप है वो हमने मतलब की फेलोशिप अवार्ड की गई है टू डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर, राइटर, ट्रांसलेटर एंड क्रिटिक, जिसका नाम है प्रोफेसर वेलचूर नारायण राव। जो साहित्य अकेडमी फेलोशिप है ये हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है जो हम कंट्री में देते हैं, अवार्डेड बाय साहित्य अकेडमी। जो साहित्य अकेडमी आपको पता होना चाहिए ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, जिसका काम क्या है हमारी इंडिया की जो लिटरेचर है उसको प्रमोट करना इंक्लूडिंग इंग्लिश। ठीक है, ये जो ऑनर है वो रिजर्व है फॉर द इन मोरल्स ऑफ लिटरेचर, और ये हम लिमिटेड देते हैं टू 21 ओनली एट अ गिवन टाइम। ठीक है, मतलब 21 लोगों को हम एक टाइम पे अवार्ड करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, जो साहित्य एकेडमी है उन्होंने एक प्रेमचंद फेलोशिप भी इंस्टीट्यूट की थी जो हमने प्रेमचंद के नाम पे रखी गई थी ड्यूरिंग इज 125th बर्थ एनिवर्सरी इन 2005। ठीक है, ठीक है, तो इसमें इतना ही था, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट है वीर चिल्लारी। प्रधानमंत्री ने अभी रिसेंटली ट्रिब्यूट पे किया वीर चिल्लारी, जिनको हम शुक्ला ध्वज भी बोलते हैं, जो वीर चिल्लारी थे, ही वाज़ द जनरल ऑफ कोच रोज डायनेस्टी, किसके, असम के, और इन्होंने काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन बिल्डिंग द एक्सपायर, मतलब कि एम्पायर को बिल्ड करने में, ऑफ एल्डर ब्रदर नारायण राय। ये महाराजा विश्व सिंह के सन थे एंड ही वॉज अ फाउंडर ऑफ
कोच रूरल सोसाइटी असम गवर्नमेंट ने भी वीर चिलारी अवार्ड को स्टार्ट किया, जो कि किसी इंडिविजुअल की ब्रेवरी पे उनको मतलब की मिला करेगा। ठीक है, तो आपको पता ना जी कि वीर चिलारा कहाँ का है भाई, ये जो मतलब कि बंदा था असम से बिलोंग करता था और इसी के नाम पे असम गवर्नमेंट ने अभी अवार्ड भी निकाला। ठीक है, लास्ट में लड़का हुती ग्रुप, हुतीस देखो ये हमने शायद पहले भी पढ़ा हुआ है, देखो ये मेनली क्या है, माइनॉरिटीज हैं, शीती मुस्लिम में आते हैं। ठीक है, दे आर द जैदी शिलित और द जैदिया। ठीक है, ईरान क्या करता है, बहुत ज़्यादा इनको क्या करता है मतलब कि हुतीस को एक्सप्लॉइट करता है, जो यमन की जो सुन्नी मेजोरिटी है उनसे लड़ रहे हैं। ठीक है, विदिन 2004 से जो हुती रेबल्स है वो मेनली यमन के नॉर्थ प्रोविंस सादा में रहते हैं। ठीक है, और साथ में कुछ सऊदी अरब से जो कंट्री बॉर्डर करती है वहाँ पे भी, उस पार्ट में भी रहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा वॉर में है विद द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर्स की कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना, तब तक बाय टाटा।